Kaçacak yerin kalmadı Hasan Sabbah. Teslim ol. Sana hiç bir vakit teslim olmayacağım Sultan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. दोस्तों ब्योक सुलजोकों की टेलीकास्ट के साथ ही सोशल मीडिया पर सुलजोकों के बारे में कयासाराइयों का एक नया दौर शुरू हो गया जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि मलिक शाह के दौर में सुलजोक दुनिया की सुपर पावर थे और रूए जमीन पर हर ताकत उनके नाम से कांपती थी इस बड़ी ताकत का एक दुश्मन भी बड़ा अयार और पुरसरार था हसन बिन सबा और सुलजोकों के दरमियान मारकों की मिसाल पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जैसी है दोनों सूरतों में रियासत को मालूम ही नहीं था कि असल में उनका दुश्मन कौन है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हसन बिन सबाह की मौत को डिस्कस करेंगे तो वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कुछ जी मसरूफियात की वजह से वाई उर्दू कुछ अरसे के लिए फाल नहीं रहा और कॉन्टेंट की अवेलेबिलिटी में गैप आ गया तकलीफ के लिए माजरत खाएं और अब से डेली बेसिस पर ही दिलचस्प वीडियोस का सिलसिला शुरू होगा उम्मीद है आप महजूज होंगे नाजरीन तारीख में बेशुमार शख्सियात गुजरी हैं जो अजमत में अपनी मिसाल आप थीं और उनकी सतवत और हशमत के किस्से दुनिया के तूलो अर्ज तक पहुंचे थे मगर पुरसरारियत में जो मकाम हसन बिन सबाह और उसके हवारीों ने हासिल किया वो नाकाबले बयान है हसन बिन सबा का फ़िरका इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था जिस तरह ज़मीन सूरज से दूर होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है इसी तरह एक हसन बिन सबाह नामी शख्स ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा और ऐसा गिरोह बना लिया जो तलिस्माती तरीक़ों से लोगों को अपना पैरोकार बनाता इस मकसद के लिए इस गिरोह ने नहायत हसीन लड़कियां नशा आवर जड़ी बूटियां हपनटिज़्म और चर्ब जबानी जैसे तरीके अपनाए बाहिश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे अपने मुखालिफिन को कत्ल कराने के लिए एक गिरोह तैयार किया जबकि कत्ल के, के तरीके खुफिया और पुरसरार होते थे इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक जहीन और नडर थे कि भेस बदल कर बड़े बड़े जर्नैलों के मुहाफ बन जाते थे और जब कोई पुरसरार तरीके से कत्ल हो जाता तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिल पाता था ये लोग खुद को फिदाई कहलाते थे और कुछ अरसे बाद ये फ़िरका कातिलों का गिरोह और हशीशैन के नाम से मशहूर हुआ ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे जहर भी इस्तेमाल किया करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था बहुत मुद्दत तक ये फ़िरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे हसन बिन सबा मलिक शाह के दौर में अपनी तमाम तर चालाकियों के साथ मलिक शाह के हवासों पर सवार रहा निजामुल मुल्क की फरासत से हसन बिन सबाह की बेशुमार चालों को नाकारा बनाया गया मगर आप दोनों के दौर में हसन का फितना चलता रहा और उसका तदारक ना हो सका निज़ाम मुल्क की भेजी गई कई मुहिमात नाकाम साबित हुईं और हसन बिन सबाह उन दोनों के दौर में बजता रहा दोस्तों मलिक शाह और निज़ाम मुल्क के बाद सुल्तान संजर ने हसन बिन सबाह का मुकाबला किया मगर हसन बिन सबाह नेत चालाकी से उसे सुलह पर राज़ी कर लिया कहा जाता है कि सुल्तान संजर अलोमत पर हमले के लिए रवाना था कि एक दिन सुबह जागने पर उसको अपने सराहाने एक खंजर और ख़त मिला जिसमें हसन बिन सबाह की तरफ से सुलह की पेशकश थी इस चीज से सुल्तान संजर इतना मुतासर हुआ कि उन्होंने मामूली शरायत के एवज सुलह कर ली इसके बाद ये ईरान के शहरों के बाद रफ्ता रफ्ता शाम के बाद मकामों में भी हसन के मानने वाले फैल गए हसन बिन सबाह की मौत को देखें तो उसके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं बातनियों के नज़दीक हसन दराय दानियाल की सबसे बुलंद चोटी पर मराकबे के लिए गया और लौटा नहीं उनके नज़दीक हसन बिन सबाही ही इमाम मेहदी हैं जो क़यामत से पहले फिर नमोदार होंगे बाज़ के नज़दीक हसन बिन सबाह का अख्ताम सुल्तान संजर के हाथों हुआ था जबकि इबन खुल्दून के मुताबिक हसन बिन सबाह ने एक तवील उम्र पाई और अलोमत में ही उसकी मौत वाक़ हुई उसकी मौत के बाद क्या बुज़ुर्ग उसका जानशीन बना जो उसका बेटा बताया जाता है नाजरीन अगर आप बातनियों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम इस खुफिया तंजीम के मजीद रमूज आपके सामने ला सकें तब तक इस पैगाम के साथ इजाजत दें कि खुश रहें और खुशियां फैलाते रहें